everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the poem, first poem of unit 6. And what is the name of the poem? The name of the poem is Trains, written by James H. Tippin. Okay, तो James H. Tippin ने Trains जो है ये poem लिखी है. Trains पता है सबको क्या होता है, है ना? ट्रेन पे सबने ट्रैवल किया है. हाँ, ये सबसे लंबी जो व्हीकल होती है वो ट्रेन होती है, और हमें लंबी लंबी जर्नीज के लिए हम जो है ट्रेन्स यूज करते हैं. अगर जैसे सपोज हमें स्कूल से घर जाना है तो हम क्या यूज करते हैं? बस यूज करते हैं. बहुत सारे बच्चे मोटरसाइकिल यूज करते हैं. लेकिन अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना हो, बॉम्बे जाना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें बहुत दूर जाना है तो हम किससे जाएंगे? या तो हम प्लेन से जाएंगे या तो हम ट्रेन से जाएंगे. तो ट्रेन का जो सफ़र होता है वो बहुत मज़ेदार होता है. क्यों? क्योंकि ट्रेन्स जो है वो स्टेशन्स पे रुकती जाती हैं, और कभी वो खेतों के बीच से जाती हैं, कभी वो पहाड़ों के बीच से जाती हैं, कभी वो रेलवे क्या बोलते हैं रिवर की ब्रिज के ऊपर से होके जाती है. तो वो जो ट्रेन की जर्नी है वो हमें इस पोयम में देखने को मिलती है. तो लेट्स रिसाइट द पोयम एंड देन वी विल आई विल एक्सप्लेन यू द पोयम. ओके, तो फर्स्ट वी विल रिसाइट इट. तो ये जो पोयम है, Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passengers, carrying mails, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains by James S. Tippin. Okay, so it is a very beautiful poem. और ये क्या बात करता है? This poem is about railway wagon. Wagon क्या होता है? वो जो cars होती हैं ना, इसकी compartments, इसको हम railway wagon बोलते हैं. उसमें एक engine होता है और सारे compartments होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? Attached होते हैं, जुड़े होते हैं. और engine जो है इन सबको क्या करता है? खींच के लेके चलता है, ठीक है? और ये पैसेंजर्स को क्या कर रहे हैं? सुबह शाम, दिन दोपहर रात, वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, है ना? तो ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, माउंटेन्स के ऊपर, प्लेन्स में, रिवर्स के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, हियर कम द ट्रेन्स. तो प्लेन ट्रेन कहाँ कहाँ जा रही है? कभी वो माउंटेन्स के ऊपर से जा रही है, ठीक है, माउंटेन के ऊपर से स्टार्ट होती है, फिर वो प्लेन में चली जाती है, जो जमीन समतल जमीन होती है उसमें चली जाती है. उसके बाद अगर उसे रिवर क्रॉस करना होता है तो ट्रेन्स के लिए ब्रिजेस बनी हुई है, वो ब्रिज जो होती है वो उसके ऊपर से रिवर को भी क्रॉस कर लेती है, और तब हमारी ट्रेन जो है वो हमारे पास आती है. हियर कम्स द ट्रेन. तो ट्रेन जो है वो हर जगह, उसके रेलवे ट्रैक्स जो है, पटरी जो है, वो हर जगह है, और वो हर जगह जो वो ट्रैवल करती है, माउंटेन्स में, प्लेन्स में, रिवर्स के ऊपर, वो हर जगह से घूमती हुई आती है. मतलब बहुत ही घुमक्कर होती है ट्रेन, हमेशा इधर उधर घूमती रहती है ना? हमें तो मना किया जाता है कि घर से मत निकलो, बारिश में मत निकलो, धूप है बहुत मत निकलो, ठंड में मत निकलो. लेकिन ट्रेन को देखो, ट्रेन इतनी उसे इतनी आज़ादी है, वो बारिश में भी घूमती है, धूप में भी घूमती है, और जब ठंड होती है तो भी वो घूमती है. उसको किसी भी मौसम में हम ट्रेन्स को देखेंगे कि दे आर ऑन देयर वे, है ना? दे आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स इन विदाउट फेल. तो क्या करती है? पैसेंजर्स को कैरी करती है. पैसेंजर्स कौन होते हैं? जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो यात्रा करते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनको हम पैसेंजर्स कहते हैं. तो क्या करती है वो? जो उनके सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे कंपार्टमेंट्स, इनमें वो किसको कैरी करती है? पैसेंजर्स को या फिर मेल को. मेल क्या होता है? जो सामान होता है, ठीक है ना, उनको कैरी करती है. कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल्स, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स. और हमारे पास जो भी हमारा बहुत कीमती सामान हो, चाहे जो भी हो, वो हम अपने साथ लेकर ट्रैवल करते हैं. कितना भी ज़्यादा सामान हो हम ट्रेन में रख के ट्रैवल कर सकते हैं. और जो गूड्स ट्रेन होती हैं, जो मेल वाली ट्रेन होती हैं, उसमें तो बहुत सारा सामान जो है वो, जो सामान
कार्स में या फिर बाइक्स पे नहीं जा सकता है, वो इतना भारी भारी सामान हम लोग किस में लेके जाते हैं, ट्रेन्स में, ट्रेन्स से हम एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजा जा सकता है, भेज सकते हैं, है ना। तो कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल्स, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल, है ना। थाउजेंड ऑफ फ्रीट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस थ्रू डस्क एंड डॉन। तो थाउजेंड ऑफ फ्रीट कार्स, फ्रीट कार्स क्या होते हैं, वो जो ट्रेन्स कार्स जो होती है ना, वो उनकी जो ये डब्बे हैं इनको कार्स बोलते हैं, जो कंपार्टमेंट होता है इनको कार्स बोलते हैं। और इन कार्स में जब बहुत सारा गूड्स, सामान भरा होता है, तो हम उसको, और वो एक दूसरे टाइप की नॉइस निकालता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्रीट कार्स। तो एक इंजन के साथ कितने सारे कार्स जो है वो क्या है, कनेक्टेड होते हैं, ऑल रशिंग थ्रू डे एंड डार्कनेस, और सभी क्या करते हैं, एक के पीछे एक चलते चले जाते हैं थ्रू, ये दिन हो चाहे रात हो, डे एंड डार्कनेस, ठीक है। डार्कनेस में, डे में फ्रीट कार्स जो है वो क्या करती है, भरी हुई, पूरी भरी हुई कार्स जो है, या तो वो पैसेंजर से भरी हो या वो सामान से भरी हो, वो दिन में हो या रात हो, वो चलती चली जाती है थ्रू डस्क एंड डॉन। डस्क का मतलब होता है सुबह का टाइम, और डॉन का मतलब होता है शाम का जो गोधूली बेला होता है उसको बोलते हैं। तो डस्क और डॉन के समय भी वो ऐसे ही क्या कहते हैं, वो चलती चली जाती हैं, वो क्या करती हैं, चलती चली जाती हैं, कभी भी जब उनका स्टेशन आता है तो रुकती हैं नहीं, तो वो न दिन देखती हैं न रात देखती हैं, वो क्या कर रही हैं, वो चलती चली जा रही हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। तो ट्रेन्स जो हैं वो क्या है, माउंटेन्स के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, अपना काम जो है वो, उनका काम जो है वो ट्रैवलिंग वाला काम, वो उसको करती चली जा रही है, वो तो कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पोयम की राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। पोयम में हम हमेशा क्या करते हैं, राइमिंग वर्ड्स देखते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं पोयम में, है ना। तो हम सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। पहला क्या है, माउंटेन्स एंड प्लेन्स, है ना, प्लेन्स और ट्रेन्स। शुरू से देखते हैं हम यहाँ से, माउंटेन्स, प्लेन्स और ट्रेन्स। तो राइमिंग वर्ड क्या है, माउंटेन्स, प्लेन्स और ट्रेन्स, ये सब क्या कर रहा है, ये एक दूसरे के जैसा सिमिलर साउंड है इन तीनों में ही, माउंटेन्स, प्लेन्स, ट्रेन्स। उसके बाद क्या है, मेल एंड फेल, मेल एंड फेल, मेल और फेल, ये दूसरा राइमिंग वर्ड्स है। उसके बाद है ऑन एंड डॉन, ऑन एंड डॉन, ये भी राइमिंग वर्ड है, ऑन एंड डॉन। उसके बाद नेक्स्ट है अगेन माउंटेन, प्लेन्स एंड ट्रेन्स। सो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स क्या क्या है, माउंटेन्स, प्लेन्स, ट्रेन्स, ठीक है, ऑन, डॉन एंड मेल एंड फेल, ओके। तो ये राइमिंग वर्ड्स है। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द पोयम, समरी जो है उसको देख लेते हैं। तो ये पोयम किसने लिखी है, द पोयम कंपोज्ड बाय जेम्स एम एस टिपिट। तो पोयम जो है वो किसने लिखी है, जेम्स एस टिपिट के द्वारा कंपोज्ड पोयम है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है जिसमें पोएट बता रहा है कि हाउ ट्रेन्स आर यूजफुल इन आवर लाइव्स। अ ट्रेन इज अ रेलवे वैगन विथ मल्टीपल बोगीज, ट्रेन में बहुत सारे बोगीज होते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, विच इज मूव्ड बाय अ लोकोमोटिव इंजन, जिसको कौन मूव करता है, इंजन मूव करता है, इंजन से ये सारे चिपके हुए होते हैं और इंजन मूव करता है, तो वो उसके पीछे पीछे मूव करते हैं, और बहुत सारे पैसेंजर्स, मेल, कार्गोज को वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। इट कैरीज थाउजेंड ऑफ फ्रीट कार्स व्हाइल रशिंग थ्रू द रेलवे ट्रैक्स फ्रॉम डॉन टू डस्क, और बहुत सारी भरी हुई कार्स को, कंपार्टमेंट्स में लोग, पैसेंजर और मेल्स और चीजों से भरी हुई कंपार्टमेंट को ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कब, दिन, दोपहर, सुबह, शाम, ठीक है, एंड हेल्प पैसेंजर्स इन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, और पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, पैसेंजर्स को उनको जहां जाना है वहां तक पहुंचाते हैं,
वाइल क्रॉसिंग मैनी माउंटेन्स प्लेन्स एंड रिवर्स, और इसके बीच में वो बहुत सारे माउंटेन्स को, रिवर्स को और प्लेन्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पोयम को, हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब क्या होता है? ग्रासलैंड, जो एरिया जमीनी एरिया होती है ना, जमीन होता है, ठीक है, ऊबर खाबड़ नहीं, पूरा प्लेन एरिया जहाँ पे घास उगते हैं, ठीक है ना, पेड़ उगते हैं, ऐसे जगह को बोलते हैं प्लेन्स, ग्रासलैंड। ओके, तो पैसेंजर्स क्या होते हैं? पैसेंजर्स दूसरा वर्ड है, पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब होता है ट्रैवलर। ओके, ट्रैवलर यात्री, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं यात्री, उनको हम पैसेंजर्स बोलते हैं। कैरिंग, कैरिंग मतलब क्या? टू कैरी मतलब कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अगर मैंने इसको इसको यहाँ से उठा के मैं लेके जा रही हूँ, यानी मैं इसको क्या कर रही हूँ? कैरी कर रही हूँ, ठीक है। प्रीवियस, तो प्रीवियस का मतलब होता है, प्रीवियस नहीं है ये, प्रीशियस है, ठीक है, प्रीशियस। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज पी आर ई सी आई ओ यू एस, प्रीशियस। तो प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, ठीक है। प्रीशियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही जो कीमती चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? प्रीशियस, ठीक है, वैल्यूएबल चीजें, ठीक है। उसके बाद फ्रीज, फ्रीट, फ्रीट क्या होता है? फ्रीट इज फुल ऑफ कार्गो, ठीक है, कार्गो, मेल्स, इन सब से जो भरी हुई चीज होती है उनको हम बोलते हैं फ्रीट। ओके, रशिंग, रशिंग मतलब क्या होता है? रशिंग मतलब जो आवाज करते हुए चलती है ना ट्रेन, उसको बोलते हैं टू मूव विथ अर्जेंट हेस्ट, जल्दी 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 चलती है, है ना, जो जल्दी जल्दी चलती है आवाज करती हुई, फट खट 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 खट, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं रशिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी चलने, कोई भी चीज जब क्विकली होता है तो हम उसको बोलते हैं रशिंग। उसके बाद डॉन, आफ्टर द टाइम ऑफ सनसेट, सूरज डूबने के बाद के टाइम को क्या बोलते हैं? सॉरी, डस्क, डस्क जो है वो सूरज डूबने के बाद के टाइम को बोलते हैं, और डॉन, डॉन होता है सूरज उगने ही वाले टाइम को, जो सुबह में लालिमा वाला टाइम होता है ना, जब लाल लाल होता है पूरा आकाश, ना दिन होती है ना रात होती है, ठीक है, तो वो जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डॉन। और जो शाम में जो दिन ना होती है ना रात होती है और पूरा रेड रेड आसमान होता है, उस टाइम को बोलते हैं डस्क, ठीक है, डस्क एंड डॉन। ओके, तो ये हो गया हमारे वर्ड मीनिंग्स। नाउ लेट्स सी सम इनटेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन यानी ये बुक के अंदर से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ये पोयम में नहीं है। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोयम ट्रेन्स, ट्रेन्स पोयम के पोएट का नाम क्या है? तो ट्रेन पोयम के पोएट का नाम है जेम्स एस टिपेट, जे ए एम ई एस एस डॉट टिपेट, टी आई पी पी ई डबल टी। ओके, इज द पोएट ऑफ द पोयम ट्रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज द ट्रेन कैरी, ट्रेन क्या कैरी करती है? द ट्रेन कैरीज पैसेंजर्स, यानी कि हम यात्रियों को कैरी करती है, मेल्स को कैरी करती है और लोड्स को कैरी करती है, सामान और यात्रियों को कैरी करती है ट्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट रशेस ऑन, कौन सी चीज जो है वो जल्दी 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 चल रही है, ठीक है। तो थाउजेंड ऑफ फ्रीट कार्स रशेस ऑन डे एंड नाइट थ्रू द डस्क एंड डॉन, जो हजारों फ्रीट कार्स हैं, ठीक है, जो कार्स हैं मतलब वो जो लदी हुई कार्स हैं, हजारों कार्स, हजार नहीं होते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे इंजन के पीछे जो कंपार्टमेंट्स लगे हुए हैं वो, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो रशेस ऑन, वो रश कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, चुक 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 चुक, कैसे चल रहे हैं? चुक 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 करके चल रहे हैं, दिन रात सुबह शाम हर समय, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम कार्स की कंपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं जो इंजन के पीछे क्या करते हैं? चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है।
see the next question. If you had to spend night on a train, what would you need to take with you? अगर suppose रात में ट्रेन में travel करना है और रात का सफर है, दिन का सफर है तब तो हम बैठ के टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन रात में अगर हमें ट्रैवल करना है तो हम क्या क्या चीज़ें ट्रेन में लेके चलेंगे, ठीक है ना? यू वुड नीड टू टेक विथ यू, क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे हम? इफ़ आई हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, अगर मुझे ट्रेन में कोई अगर रात स्पेंड करनी होती, आई वुड नीड टू टेक फॉलोइंग थिंग्स, तो मैं इन चीज़ों को ले करके चलती अपने साथ। सबसे पहले क्या, बेडशीट, बिस्तर, पिलो, तकिया, फूड, खाना, क्योंकि रात का सफ़र है तो रात में हम दिन मतलब कुछ भी खाने के लिए तो चाहिए ही हमारे डिनर के लिए। वाटर, ऑब्वियसली अगर हम रात में स्टे कर रहे हैं तो हमको पानी लेने तो कहीं उतरेंगे नहीं, वाटर हमें चाहिए। फेस वॉश, फेस वॉश लेके चलेंगे क्या? हाँ, सोने से पहले थोड़ा सा फेस को वॉश कर लेंगे। सो और ऑब्वियसली अगर रात का सफ़र है, पहला लंबा सफ़र है, तो हमें अपनी सोप और कॉम भी, कॉम और सोप को भी लेकर के ही चलना चाहिए, है ना? चलना चाहिए ये सब लेकर के। ओके, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन का आंसर, दैट इफ आई हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, आई वुड नीड टू टेक द फॉलोइंग थिंग्स, एंड दोज थिंग्स आर बेडशीट, पिलो, फूड, वाटर, फेस वॉश, सोप एंड कॉम। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लेकर के चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग के क्वेश्चंस हैं। तो सॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स, वन इज डन फॉर यू। तो हमें क्या करना है, हमें इन सबको सॉर्ट आउट करना है अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है? तो जैसे कि है, बस है, कार है, एरोप्लेन है, शिप है, बोट है, ट्रेन है, बाइसिकल है, हेलीकॉप्टर है, ट्रक है और स्टीमर है। तो यहाँ पे सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना? तो हमें क्या करना है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट को अलग अलग करना है। तो हम जैसे कि इसमें बस जो है, हाँ, ये होगी लैंड ट्रांसपोर्ट, कार भी होगा लैंड ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन हो गया एयर ट्रांसपोर्ट, शिप और बोट हो गई वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना? उसके बाद ट्रेन हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट, बाइसिकल हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर हो गया एयर ट्रांसपोर्ट और ट्रक हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट और स्टीमर हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। सो लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, बस है, कार है, ट्रेन है, बाइसिकल है और ट्रक है, ठीक है? बस, कार, ट्रेन, बाइसिकल और ट्रक जो है, दीज आर इन लैंड ट्रांसपोर्ट, ओके? और उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, एरोप्लेन है और हेलीकॉप्टर है। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो है वो किस में आ गया, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, सॉरी एयर ट्रांसपोर्ट में आ गया। और फिर वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, शिप है, बोट है और स्टीमर है। तो क्या करें हम इनको सबको, क्या करते हैं ना कि लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बस, लैंड ट्रांसपोर्ट, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके? तो लैंड में क्या क्या था, लैंड में है बस, कार, देन इट इज ट्रेन, देन इट इज बाइसिकल, एंड देन इट इज ट्रक। ये हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट में आ गया, बस, कार, ट्रेन, बाइसिकल और ट्रक। उसके बाद हमारा क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आ गया एरोप्लेन, देन हेलीकॉप्टर, ओके, देयर आर टू
ऑफ दीज। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा शिप, बोट एंड स्टीमर। और क्या होगा? स्टीमर होगा। सो दीज आर आवर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे हमें सॉर्ट आउट करना था। दिस वॉज वर्ड बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस। हाँ, तो इसमें हमें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस। आंसर भी दिया हुआ है, वील डिस्कस इट एंड देन वील सी द आंसर्स। गिव मी सम डैश टू ईट। तो खाने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए या क्लोथ्स चाहिए? ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। गिव मी सम फूड टू ईट। खाने के लिए हमें थोड़ा सा क्या दे दो? खाना, ये दे दो, खाना दे दो हमें थोड़ा सा, है ना। उसके बाद है प्ले विथ ग्रे या मी। ग्रे तो कलर हो जाता है, प्ले विथ ग्रे, ग्रे कलर के साथ खेलेंगे? नहीं, प्ले विथ मी, इट विल बी प्ले विथ मी। ओके, उसके बाद है स्विम अक्रॉस द रिवर या फिर बोट। तो किसके पार होते हैं? बोट के पार होते हैं या रिवर के पार होते हैं? रिवर के पार होते हैं। अक्रॉस क्या मतलब? के पार। तो पार होते किसके? रिवर के। और किस में बैठ के पार होते हैं? बोट में बैठ के। तो स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी स्विम अक्रॉस द रिवर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है लेट्स गेट ऑन द ट्रेन। यस, दिस ट्रेन। तो लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, डॉन नहीं, लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, यानी ट्रेन के ऊपर बैठ जा। तो हमने ये सब कर लिया, इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें जो कि हमें करने हैं। और व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव ऑलरेडी डन द वर्ड मीनिंग्स और राइमिंग्स वर्ड्स भी हमने देख लिया। सो आई होप यू ऑल इंजॉयड द पोएम, यू ऑल लाइक द पोएम, एंड प्लीज रीड द पोएम एट होम, इंजॉय इट and try to travel in trains if you get a chance, because journey of a train is very interesting. ठीक है, तो चलो ठीक है तब, bye bye, take care and be good, okay?